अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं विकी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 रुपए में 80 किलोमीटर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के इलेक्ट्रिक कार में तब्दील होने के बारे में। कराची के तलबा ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील कर दिया। निजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने महंगाई के दौर में कम लागत में माहौल दोस्त गाड़ी बनाने का ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने शहरियों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तलबा ने 800 सीसी मेहरान गाड़ी को कम लागत में बरकी कार में तब्दील करने का कारनामा सर अंजाम दिया है, जिससे 100 रुपए में 80 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। फाइनल ईयर के 7 रुकनी ग्रुप जिसमें अहमद जहीर, हसनैन रिजवी, मुबशिर हुसैन, गुलाम मोहम्मद लोहार, अताउल मुस्तफ़ा, शहीर आरिफ और समीर बासित शामिल हैं। उन्होंने अपने सुपरवाइजर डॉक्टर आबिद करीम की निगरानी में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कार को बाइबर्ड मॉडल के तहत पेट्रोल और बिजली दोनों के जरिए चलाया जा सकता है। बैटरी को 4 से 5 घंटे में मुकम्मल चार्ज किया जा सकता है। कार की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा है। इस सिस्टम के जरिए मेहरान, FX, खैबर के अलावा और नई आने वाली गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल किया जा सकता है। तैयार की गई कार प्रोटोटाइप है, इस पर ज्यादा लागत आई है, लेकिन मुस्तकबिल में इसे 6 लाख रुपए तक भी तैयार किया जा सकता है। तलबा का ये कदम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कारों की मार्केट में एक इनकलाबी पेशरफ्त साबित हो सकता है। उनका मानना है कि दौरे जदीद में इलेक्ट्रिक व्हीकल कानून पर तेजी से काम जारी है, ऐसे में उनका प्रोजेक्ट उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। फिर मिलते हैं अगले एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।